हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गजब की होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कंप्यूटर के ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप अगर आपके कंप्यूटर पे लैपटॉप पे कोई भी बंदा आता है, कोई भी यूजर या कोई भी मतलब आपके फ्रेंड फैमिली या रिलेटिव में कोई भी आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को ओपन करता है, वहाँ पर आपके डेस्कटॉप पर जो भी आइकन होते हैं अगर उन्हें ओपन करने की कोशिश करता है तो सारे आइकन है वो ओपन नहीं होंगे। तो आज की इस वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फनी होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ऐसी फनी ट्रिक के बारे में बताऊँ। आप इस ट्रिक की मदद से अगर आपके कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर जो भी बंदा आता है तो वो आपके डेस्कटॉप के आइकन को ओपन करने की कोशिश करता है तो वो आइकन ओपन नहीं होंगे। तो ये ट्रिक कैसे काम करती है, आइए चलते मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें कंप्यूटर इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे आपको पेंट ओपन करना है। पेंट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको फाइल पे जाना है, सेव एज कॉपी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एज कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा लोकेशन का, कि आपको स्क्रीनशॉट को कहाँ पे सेव करना है। तो जैसे ही आप लोकेशन को यहाँ पे आपको डेस्कटॉप नहीं चॉइस करना है, आपको डाउनलोड या फिर डॉक्यूमेंट पे सेव फोल्डर को क्लिक करना, वो सेव करना सेव कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड फोल्डर पे क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इस वॉलपेपर को सेव कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं आपको सेव कर लेता हूँ तो आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके व्यू पे जाके सेव शो डेस्कटॉप आइकन को हाइड कर देना है। तो जैसे ही शो डेस्कटॉप आइकन को आप हाइड कर दोगे तो उसके बाद आपको दिस पीसी पे जाना है। दिस पीसी पे जाने के बाद आपको जो आपने स्क्रीनशॉट सेव किया था उस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको इसे सेट डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपको जो आपने सेव किया था, जो आपने स्क्रीनशॉट सेव किया था वो आपके डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। उसके बाद ये आइकन ये इन्हें आप ओपन करने की सोचोगे तो ये ओपन नहीं होंगे। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद आपको शो डेस्कटॉप आइकन पे इधर अनटिक होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस शो डेस्कटॉप आइकन को आपको टिक कर देना है। तो जैसे ही आप टिक कर देंगे उसके बाद आप इन आइकन को ओपन करने की सोचेंगे तो ये आइकन ओपन हो जाएंगे, क्योंकि मैंने शो डेस्कटॉप आइकन को चेक कर दिया है इसलिए ये आइकन ओपन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बता। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए।